दोस्तों ये हैं विंग्स की तरफ से आने वाले उनके नए ईयरबड्स और ये हैं विंग्स पावर पॉड्स। काफी कमाल की चीज है भाई, मैं इनको यूज कर चुका हूँ, 2-3 दिन से इनको यूज कर रहा हूँ, काफी तगड़ी चीज है। आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग में दिखाया था आपको और क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर और उसकी क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, डिजाइन कैसी है, गेमिंग के अंदर कैसे है, इवन ऑडियो कैसा परफॉर्म करते हैं और कॉलिंग क्वालिटी, तो तुम मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करो। तो सबसे पहले बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको स्टिकर्स भी देखने को मिल जाएंगे, चार्जिंग केबल भी मिल जाती है जो कि माइक्रो यूएसबी वाली है, 2 पेयर एयर टिप्स भी मिलते हैं इसके साथ। एंड फाइनली यहाँ पर जो आपके पावर पॉड्स है ना, ये चमचमाते हुए ये भी मिल जाते हैं। और भाई साहब क्या लुक बिल्ड डिजाइन है, पहले यहीं से देखो, बीरोल तो आप देख ही पा रहोगे। अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार पकड़ने में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रीमियम मैंने चीज पकड़ी हुई है। और विंग्स के अभी तक जो ईयरबड्स आ रहे थे ना, वो बजट सेगमेंट के अंदर आते थे, लेकिन ये भी बजट सेगमेंट के अंदर है। लेकिन भाई जो लुक बिल्ड डिजाइन आ रखे ना और जो फील हो रही है ना इसे पकड़ने के बाद, लग रहा है कि हाँ कोई प्रीमियम चीज मैंने पकड़ी हुई है। अब वो बोल सकते हो कि हाँ वेट ज्यादा है और बैटरी इसकी बड़ी भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो लुक्स है ना और जो क्वालिटी दे रखी है ना, वो काफी बढ़िया लग रही है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहां पर सामने की तरफ यहां पर आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिलती है और ये जो पियानो फिनिश है ना, यहां पर आपको मिल जाती है डिस्प्ले, जहां पर आपको जो बैटरी परसेंटेज है ना उसकी नंबर्स शो होते हैं। और जो मतलब डिस्प्ले है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करा है इस बारी। मतलब अभी तक मैं देख रहा था बहुत से ब्रांड में यूज़ होता है लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी नहीं होती, मतलब कैमरे में ही वो कैप्चर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मुझे आंखों से तो अच्छा दिख ही रहा है, कैमरे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर हो रहा है। इसके बाद अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ तो कोई पोर्ट्स बटन नहीं है। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो पोर्ट्स हैं वो दिखते हैं, जो कि एक यूएसबी वाला पोर्ट है जो कि एज अ पावर बैंक काम करेगा। ये रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन आता है इसके अंदर। यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी मिलता है और यार मुझे लगता है कि ये ट्रेंड तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, माइक्रो यूएसबी अब इतना मतलब नहीं है। इसके बाद ईयरबड्स में निकालता हूँ और यहाँ पर जो इसकी डिज़ाइन है ये कहीं देखी देखी नहीं सुनहरी लगती है। तो हाँ इसकी जो डिज़ाइन है बहुत मतलब आपको अर्गोनॉमिक टाइप में, मतलब आपके कानों के हिसाब से बनाई हुई है। और फिटिंग अगर मैं दिखाऊँ तो फिटिंग कुछ ऐसी आ जाएगी। हाँ मतलब ईयरबड्स डिज़ाइन ही बोलूँगा इसको मैं, छोटे ईयरबड्स जिनको पसंद होता है उनको बहुत सही तरीके से फिट आ जाएगी और कानों में मतलब एकदम चिपक जाते हैं, उस तरीके से फिटिंग आपको बढ़िया मिलेगी। ये भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं और अगर आप इनको कंपेयर करोगे ना केस के साथ, तो आपको केस की क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगेगी इनके मुकाबले। बाकी जो ईयरबड्स हैं ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं और यहाँ पर आपको जो लाइटिंग है वो भी देखने को मिलती है, तो मतलब एक इफेक्ट सा क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर HD माइक्स का यूज़ कर रखा है इनके अंदर, वो हम आगे बात करेंगे। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये स्पेक्स क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, ये भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है काफ़ी सही दे रखी है, ब्लूटूथ 5.3 की है। तो आप जैसे लिड को एक बार ओपन करोगे या फिर एक बार पेयर करा लेना, बस कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो इतने बड़ा साइज है ना, ये इसीलिए कि यहाँ पर आपको 2500 mAh की बैटरी मिलती है, तो ये तो बढ़िया बैटरी बैकअप देंगे, यानी कि 150 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर मिलता है। और अपने फ़ोन या फिर छोटे मोटे जो गैजेट होते हैं, इवन अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है ना भाई, से चार्ज कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है इसकी। तो ये चीज़ बहुत ही तगड़ी है, बस माइक्रो यूएसबी की जगह अगर टाइप सी होता तो मज़ा ही आया था। वहीं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ईयरबड के अंदर 13 mm के ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं और उसकी हम बाद में बात करेंगे कि ऑडियो कैसा डिलीवर कर रहा है। बाकी HD माइक्स यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं और गेमिंग लेटेंसी यहाँ पर 40 ms की है। लिटरली मैंने टेस्ट करके देखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फुटेज छोड़ दूंगा ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। और भाई साथ ही साथ में ये IPX5 की रेटिंग के साथ भी आते हैं, तो मतलब हल्का फुल्का पसीना आएगा, बारिश हो रही है या फिर कोई और मौसम है, तो मतलब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले गेमिंग टेस्ट सुनो और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसके माइक्रोफोन की भी, वो भी सुन लेना साथ साथ, और फिर ऑडियो की बात करते हैं। बाकी गाइस ये है इसके माइक्रोफोन का टेस्ट और यहाँ पर मैं इंडोर कंडीशंस के अंदर के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने एक कॉल प्लेस कर रखी है और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई माइक्रोफोन का जो आउटपुट है ना वो कैसा आता है। समझ लो आप कहीं ऐसे रूम में बैठे हो नॉर्मल तरीके से, तो आपको ऐसा आएगा थोड़ा बहुत शोर समझ लो चल रहा है, तो कुछ ऐसा चलेगा। मतलब HD माइक दे रखे हैं तो ऐसा मतलब आपको अंदाजा लग जाएगा। और मैं बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि काफी लेट नाइट हम शूट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शोर हमें
मजाक ही दे रहे हो। बाकी बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगा। बाकी दोस्तों ये आते हैं टच कंट्रोल के साथ भी, आप प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस वो सब कुछ इसी के साथ कर सकते हो। इवन वहां पर आपको वॉइस असिस्टेंट का जो फीचर वो भी आता है। और गेमिंग मोड में अगर स्विच करना है तो राइट वाले ईयरबड को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना, गेमिंग मोड में ये स्विच हो जाते हैं। और गाइज मैं बात करना चाहूंगा इनके ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वोकल्स की, तो यहाँ पर जो वोकल्स है भाई क्लियर है, क्रिस्प है और अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं। वहीं अगर मैं मिड सेक्शन की बात करूं तो वहां पर भी कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। इवन जो ट्रेबल है वो भी काफी हद तक बैलेंस मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं बेस क्वालिटी यार बहुत दमदार यहां पर दे रखे, 13 mm के ऑडियो ड्राइवर इन ईयर डिजाइन के अंदर बहुत अच्छे से ट्यून कर रखे। और विंग्स का ना यार ये काफी सही चल रहा है, मतलब अभी इससे पहले भी हमने फैंटम 200 रिव्यू करते और भाई उसका भी ऑडियो काफी तगड़ा था, और इनका भी जो ऑडियो है ना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो ये जो है ना TWS अभी 1500 रुपए के अंदर लॉन्च हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैं जज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये इसकी जो बिल्ड डिजाइन बैटरी बैकअप, ये मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा, लेकिन एक मार्क्स मैं काटना चाहूंगा इनके टाइप सी की जगह ये माइक्रो USB देने का। तो यार ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, बाकी और कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे। और वहीं अगर बात करूं 40 ms की जो लो लेटेंसी इन्होंने दे रखी है वो कहीं ना कहीं लगती है कि 50-55 ms के आसपास काम करती है। तो 40 ms मुझे लग रहा है कि बस दे दी गई है, लेकिन काम करती है वो 50-55 ms के आसपास, लेकिन वो भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब बात करते हैं कि आपको लेने चाहिए या फिर नहीं चाहिए। देखो अगर आप इतना बड़ा अगर TWS कैरी कर सकते हो तो भाई डेफिनेटली मेरे हिसाब से यार इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और बैटरी बैकअप अगर जिसको बहुत चाहिए होती ना तो भाई बिल्कुल जा सकते हैं उसकी तरफ। 1500 रुपए के अंदर बहुत सही प्रोडक्ट है, अगर आपको इन दो शिकायतों से कोई शिकायत नहीं है तो। और बाकी बताऊं तो अभी इसकी प्राइसिंग 1500 रुपए, लेकिन बाद में इसकी जो प्राइसिंग है वो ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली। तो अगर जल्दी से जिसको ग्रैब करने वो जल्दी से ग्रैब कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना अगर आपको अच्छे लगे तो। ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके यहां से जाना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।